जब तो वीरा दूर गया है, दिल मेरा करचूर गया है। हे वीरा हुण मुख विखा जा, हिरदे अंदर ठंडा पा जा। जां फिर वीरा मेरा बड़ा दलेर, मार पलाकी चढ़दा शेर, दबका जेकर देवे मार, नसन वैरी सागर पार। ये दो कवितावां दा मैं तुहाडे नाल जिक्र किया और दोनों के छंद बारे अज असीं करन जा रहे कि किहड़े शब्द दोनों कवितावां लिखिया गई और ये किहड़ा छंद आ। सो प्यारे बच्चो, प्यारे साथीओ, आपां छंद कर रहे हैं। इस तो पहला असीं कोरड़ा कवित छंद कर चुके हैं, वर्णिक छंद कर चुके हैं। इस तो पहला एक असीं मात्रिक छंद भी कर लिया जिन्हों असीं दोहरा कहने, दोहरा छंद किया। हुण ये भी चौपाई छंद आ, ये भी एक मात्रिक छंद आ। चौपाई छंद एक मात्रिक छंद आ, तो इसका अर्थ हुंदा चार पट या चार चरण। एक शर्त ही है कि चार चरण होणगे, ठीक है जी। चार चरणों के पंद्रह या सोलह मात्रावां होणगियां, मतलब कि यह दो रूपां च लिखा जाता जां पंद्रह मात्रा च लिखा जाता जां सोलह मात्रा च लिखा जाता। तो मैं दोनों उदाहरण दो कवितावां पढ़िया सी, दोनों एक पंद्रह मात्रा वाली है, एक सोलह मात्रा वाली है। पहला विश्राम अठ ते, दूजा सत्त जां अठ ते, मतलब इहदी इक्को शर्त कि जिहड़ा पहला विश्राम आउणा उहदियां मात्रावां अठ ही होणगियां, दूसरे विश्राम च जां दूसरे चरण दे विच जिहड़ियां मात्रावां उह सत्त जां अठ हो जाणगियां। तो मतलब जिहड़ा पंद्रह मात्रावां वाला उहदे विच पिछले विश्राम च सत्त मात्रावां रहि जांदियां, जिहड़ा सोलह मात्रा ठीक है उहदे पिछले मात्रा जिहड़ी उह अठ ही रहिंदियां, मतलब दोनों चरणां दे विच अठ अठ होंदियां। पंद्रह मात्रा वाले तकांत लघु, एक ध्यान देने वाली गल आ कि जिहड़ा छंद चौपाई पंद्रह मात्रा वाला होगा उहदा जिहड़ा लास्ट तकांत होगा या लास्ट अखर होगा जिहड़ा ए ए आ जां दलेर शेर लिखिया, तो यह ध्यान रखना कि जिहड़ी जिहड़ा छंद पंद्रह मात्रा वाला उहदे अखीर ते लघु आऊगा और जिहड़ा सोलह मात्रा वाला उहदे अंत ते गुरु आऊगा। तो आपां दोनों छंद लिखे हुए, दोनों की एक दो तुकां लिखिया हुई तो उहदे बारे आपां करन जा रहे हैं। सो सब तो पहला असीं गल करदे हां, जब तो वीरा दूर गया है, तो इहदे विच असीं मात्रावां की गिनती करांगे। जे मात्रिक छंद च लघु चिन्हां नूं असीं एक गिणदे हां और गुरु चिन्हां नूं असीं दो गिणदे हां, तो लघु दे हिसाब नाल दो ते दो चार, दो छे, दो अठ। तो पहले चरण के अठ हो गई जी, दो एक तीन, अठ तीन ग्यारह, बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, यह दूसरे चरण से भी अठ हो गई। तो यह मतलब की है ये सोलह मात्रा वाला छंद है या सोलह मात्रा के लिखी गई कविता, ठीक है। और यदा तुम अंतला लिखो जी, गल पहले की तकांत लास्ट गुरु आऊगा, जिहड़ा सोलह मात्रा वाला उहदा अखीरला तकांत गुरु आऊगा, ठीक है। इसी तरह नीचे दिल मेरा करचूर गया है, ये भी टोटल अठ जोड़ अठ बराबर सोलह मात्रा का शब्द है, ठीक है। सो इहदा ध्यान रखने योग गल यही है कि जिहड़ा सोलह मात्रा वाला होगा उहदा जिहड़ा आखिरी अखर आ, आखिरी तकांत आ, तकांत मेल होना जिथे जाके, ठीक है, उत्थे जाके जिहड़ा लास्ट अखर होगा वह गुरु होगा। हुण असीं गल करदे हां पंद्रह मात्रा वाले दी, जिथे पंद्रह मात्रावां दे विच लिखा जाता, तो उहदी इक शर्त सीगी कि पहला जिहड़ा चरण होगा तुकदा पहला चरण होगा वह अठ मात्रा ही होगा और दूसरे चरण के सत्त मात्रा होणगियां। आपां करदे हां कि वीरा मेरा, हुण देखो इत्थों ये इहदा पहला चरण हो गया, ठीक है जी। वीरा मेरा बड़ा दलेर, हुण देखो दो दो चार, दो छे, दो अठ, अठ हो गए जी पहले चरण। हुण दूसरे चरण च देखो एक दो तीन चार पाँच छे सत्त, तो ये सत्त आ, यह किनिया हो गई जी अठ जोड़ सत्त बराबर पंद्रह मात्रा का छंद हो गया। तो ये जी गल की कि जे सोलह मात्रा वाला तो वह आखिरी जरा तकांत मेल वाला लास्ट अखर आ वह लघु गुरु होगा, पर पंद्रह मात्रा वाले च लघु होगा, ये शर्त सी। तुम देखो इतने दलेर आ रहा, तो रारा जरा लास्ट वाला शेर का राणा भी लास्ट वाला, ये दोनों ही लघु है, ठीक है, दोनों के नाल एक गिनती वाला अक्षर लगा हुआ। तो यह ध्यान देना पड़ेगा
बाकी मिलते जुलते शब्द बस लास्ट के अखर उत्ते जोर देना पड़ेगा। जे असी अठ अठ मात्रा च लिख रहे हैं तो अखीरला गुरु होना चाहिए, जे असी अठ जोड़ सत्त मात्रा च लिख रहे हैं तो अखीरला जरा तुकां का जो अखीरला अखर आ वह लघु होना चाहिए। सो उम्मीद है कि तुहानू अज दूसरा जो छंद असी माध्यमिक छंद कीता चुपाई यदि समझ आ गई होगी और इस तो पहला वाले छंद बारे भी तुहानू कोई दिक्कत नहीं रही होगी। फिर भी जेकर प्रॉब्लम आती तो मेरे नाल शेयर करो, मेरे नाल गलबात कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, अगली वीडियो लेके जल्दी मिलांगे। धन्यवाद।